दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट करेंगे तोशिबा के U50 सीरीज के 43 इंच वेरिएंट को, जहां पे हम लोग ये सारी टेस्टिंग करेंगे। आप लिस्ट देख सकते हो जिसमें बैकलाइट ब्लीडिंग को टेस्ट करेंगे, स्क्रीन मिररिंग में जियो टीवी आप यूज कर पाओगे या नहीं, डिज्नी हॉटस्टार चलेगा या नहीं, इसी के साथ ही साथ एलेक्सा का इंटीग्रेशन किस ढंग से काम करता है और बहुत सारी टेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टंटना शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये सारी टेस्टिंग को शुरू करने के पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यहाँ पे इस टीवी का मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी को ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, तो वीडियो को मैं ऊपर लिंक कर दूंगा, वो जरूर चेकआउट कीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इस टीवी की स्क्रीन मिररिंग फीचर को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन मिरर हो चुका है फोन से, और यहाँ पे जस्ट मैं कुछ मेन्यूज़ ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे अब सबसे पहले हम लोग जाएंगे जियो टीवी में, तो जियो टीवी ओपन कर लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये ऐप इंस्टॉल किया हुआ है और जियो टीवी ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जियो टीवी प्ले तो हुआ है लेकिन सिर्फ ऑडियो हमें सुनने मिल रहा है टीवी से, बाकी जो स्क्रीन में यहाँ पे फोन में दिख रहा है वो कास्ट नहीं हुआ है प्रॉपरली। तो ये आई थिंक प्रॉब्लम है, आपको जियो टीवी कास्ट नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। और एक बार चेक कर लेते हैं डिज्नी हॉटस्टार किस तरह से प्ले होता है। तो डिज्नी हॉटस्टार में भी सेम प्रॉब्लम है, जहाँ पे मैं ऑडियो तो सुनने मिल रहा है टीवी से लेकिन जो पिक्चर है वो स्क्रीन है वो आपको दिखाई नहीं देगा, जो एक्चुअली में दिखाई देना चाहिए कास्टिंग के वक्त, तब सक्सेसफुल कास्टिंग होती है। तो यहाँ पे कास्ट मिररिंग के टाइम पे ऐप्स प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर। और एक बार YouTube भी चेक कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। और फोटोज चेक कर ले यहाँ पे स्क्रीन मिररिंग के टाइम कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ओपन किया हुआ है और स्क्रीन पे आप देख सकते हो, फ़ोन में भी देख सकते हो, तो इस तरह का कुछ देखने मिल रहा है। और एक बार मैं इसको रोटेट करता हूँ तो टीवी में भी रोटेट हो रहा है, तो ये प्रॉपर चल रहा है, इसमें कोई भी लैग भी नहीं है कोई भी प्रकार का और ये परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने कास्ट किया है यूट्यूब से और आप लोग देख सकते हो यहाँ फ़ोन में वीडियो स्टॉप है लेकिन यहाँ पे प्ले हो रहा है प्रॉपरली, मतलब क्रोमकास्ट जी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कास्ट करने का जो कनेक्ट करने का तरीका है वो अलग है, वो आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। करने के लिए आपको YouTube ऐप के सेटिंग्स में जाना है सबसे पहले टीवी में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑप्शन लिंक विथ टीवी कोड, ये ऑप्शन से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। तो और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 स्टेप है जो आपको फ़ोन में भी जाके करना है, तो आपको बस जाना है फ़ोन में, YouTube ऐप में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है सेटिंग्स का, सेटिंग्स में आप लोग देख रहे हो वॉच ऑन टीवी, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक किया हुआ है, यहाँ पे आपको ये जो स्क्रीन पे कोड दिख रहा है वो एंटर करना है आपको फोन में और टीवी कनेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि यहाँ पे जो स्क्रीन मिररिंग का फीचर है इस टीवी में ये पार्शियली काम करता है, मतलब कि जियो टीवी हमने देखा कि वहाँ पे ऑडियो सिर्फ टीवी से आ रहा है लेकिन कास्ट प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब जो एक्चुअल पिक्चर दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है, डिज्नी हॉटस्टार में भी सेम प्रॉब्लम है और आई थिंक बाकी अमेजॉन प्राइम अगर मैं फ़ोन में प्ले करूँ और उसको कास्ट करने की कोशिश करूँ तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम वही आने वाली है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन मिररिंग का फीचर है अगर इसको मैं समराइज करूँ तो जो फ़ोन के अगर वीडियो वगैरह है वो आप प्ले करो गैलरी से तो वो प्ले हो जाएंगे, फोटोज़ प्ले करो वो भी हो जाएंगे और व्हाट्सएप के वीडियोज है वो भी प्ले हो जाएंगे, लेकिन कोई कंटेंट प्रोवाइडर का अगर आप वीडियो प्ले करोगे तो वो नहीं प्ले होगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू चेक टेस्टिंग नंबर 2 जो है हमारा बैकलाइट ब्लीडिंग। चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई भी प्रकार का स्क्रीन में बैकलाइट ब्लीडिंग है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग जस्ट देखो व्हाइट वाले सेक्शन में कि कहीं पे आपको कोई भी प्रकार का ब्लैक ब्लीडिंग दिख रहा है क्या, मुझे तो फिलहाल ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है अभी तक। अब जो व्हाइट स्क्वायर है थोड़े धीरे धीरे अब छोटे होते जाएंगे साइज में, तो हमको अच्छी तरह से बारीकी से पता चल जाएगा कोई भी प्रकार का बैकलाइट ब्लीडिंग है या नहीं इस टीवी में।
और यहाँ पे हम सभी ने देखा कि कोई भी प्रकार का बैकलाइट ब्लीडिंग इस टीवी में नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। बहुत सारे वेरिएंट्स में, इनफैक्ट जो टॉप ब्रांड्स है उनमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सैमसंग का TU8570, उसमें आपको बहुत ही यूनिट्स में ये बैकलाइट ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन टचवुड इस वेरिएंट में आपको ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। और अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और टेस्टिंग करते हैं। पेन ड्राइव कनेक्ट मैंने कर लिया है इस टीवी में, और यहाँ पे चेक करूँगे अलग अलग फॉर्मेट्स के वीडियो, जहाँ पे MKV, MP4, MPEG ये सारे फॉर्मेट्स को प्ले करेंगे और देखते हैं कि प्ले होते भी है या नहीं। और यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है एक USB पेन ड्राइव 32GB का, और जाता हूँ इनपुट वाले ऑप्शन में और सिलेक्ट करते हैं USB 1। यहाँ पे मैंने आर्या जो हॉटस्टार पे सीरीज उसको डाउनलोड किया हुआ है, और यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि किस ढंग से वो प्ले होती है, उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसे देखने मिलेगी। मम्मा, अरे पापा चैलेंज तो दिन में 800 से ग्रस्त है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती। यहाँ पे आर्या सीरीज MKV फॉर्मेट में थी और बहुत ही अच्छी तरह से प्ले हो गई। एक और प्ले कर लेते हैं यहाँ पे, एक खुदा हाफिज, ये भी हॉटस्टार की ही सीरीज है और इसका भी फॉर्मेट .mkv ही है। और ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है, तो लिखा हुआ आ रहा है टीवी के कॉर्नर पे। ये सीरीज भी MKV फॉर्मेट में थी, और एक बार प्ले कर लेते हैं MP4 फॉर्मेट, जिससे आपको आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ये एक्चुअली में रिकॉर्डिंग किया है फ़ोन से ही, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे MP4 जो फाइल है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से प्ले हो रही है। और एक और फॉर्मेट है मेरे पास यहाँ पे, यस .mpg, ये भी प्ले कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे प्ले होती है या नहीं। तो यस, दिस इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन। एक MP3 फाइल भी है, उसको भी मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। कॉपीराइट का इशू तो नहीं आना चाहिए होपफुली। तो और यहाँ पे पेन ड्राइव में मेरे पास कुछ फोटोज भी है .jpg फॉर्मेट में, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ किस कैसे लग रहे हैं टीवी में। उसके बाद नेक्स्ट, यस। सो फोटोज वगैरह आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं टीवी में। वाओ, बहुत ही अच्छी तरह से प्ले हुए पेन ड्राइव के कंटेंट, और मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम फॉर्मेट जो पॉपुलर है इस समय वो आपको प्ले करके दिखाऊं, और बहुत ही अच्छी तरह से प्ले हुए। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कोई ऐप की ज़रूरत भी नहीं पड़ी मीडिया प्लेयर की, जो तोशिबा का डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर है उसी में ओपन हो रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। इनफैक्ट जो प्ले पॉज और फास्ट फॉरवर्ड वाले ऑप्शन है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट हमें देखने मिलता है जब कोई भी डॉल्बी कंटेंट हम प्ले करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। और मैं यहाँ पे जब बात कर रहा हूँ कुछ ऐप्स के बारे में, तो तोशिबा ऐप स्टोर की बात करें तो इस टीवी में मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत ही लिमिटेड ऐप्स मिल रहे हैं इस समय। इनफैक्ट VLC और जो भी कुछ ऐप्स चाहिए अभी फ़िलहाल बहुत ही कम है, मतलब अभी जो भी ऐप्स मिल रहे देखने मिलेंगे आपको स्टोर में, आपने शायद उनका नाम भी नहीं सुना होगा। तो ये सारी स्क्रीन पे आप देख सकते हो लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे एक मेजर हाईलाइट निकल के आती है तोशिबा टीम की तरफ से, जो उनका कहना है कि भाई 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में आपको बहुत सारे अपडेट्स देखने मिलेंगे, तो शायद ये प्रॉब्लम उस टाइम के बाद निकल जाएगी। और इसी के साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे टेस्टिंग नंबर 4 के बारे में, जहां पर हम लोग चेक करेंगे एलेक्सा को। एलेक्सा हमारी बात सुन पाती है, समझ पाती है, सब कुछ चेक कर लेते हैं। एलेक्सा ओपन अमेजॉन प्राइम। Getting Prime Video from Vida Voice. Alexa, open YouTube. Getting YouTube from Vida Voice. Alexa, turn off the TV. Alexa, turn on the TV. तो दोस्तों यहाँ पे एलेक्सा तो अच्छी तरह से काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पे मैं
अगर कोई ऐप के अंदर का डिटेल्स पूछ रहा हूँ उस टाइम पे एलेक्सा ढंग से नहीं काम करती, तो मैं आपको एक डेमो देता हूँ। जैसे कि एलेक्सा ओपन हैप्पी गाइड यूट्यूब चैनल। Here's what I found. So, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एलेक्सा का जो इंटीग्रेशन है वो ऐप के अंदर नहीं है, सिर्फ ओपन और क्लोज करने के लिए आप यूज कर सकते हो। वॉल्यूम कम करना है, ज्यादा करना है उस समय यूज कर सकते हो। टीवी को टर्न ऑफ करना है उस समय यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजों में आप एलेक्सा की मदद ले सकते हो। तो दोस्तों, एलेक्सा की टेस्टिंग में एलेक्सा से जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतनी तो काम कर ही रही है। अगर उसका इंटीग्रेशन इनसाइड द ऐप होता, जो आप लोग ने देखा कि मैंने यूट्यूब पे हैप्पी गाइड यूट्यूब चैनल ओपन करने को बोला, उस टाइम पे कुछ अलग ही आ रहा था। तो यहाँ पे इनसाइड द ऐप इंटीग्रेशन नहीं है, खाली बस आउटसाइड जो भी ओपन करना है क्लोज करना है उस समय वो काम करती है। और अब यहाँ पे आगे बढ़े और बात करें कुछ साउंड टेस्टिंग के बारे में, तो फिलहाल मेरे पास कोई भी यहाँ पे साउंड बार नहीं है जिससे मैं कनेक्ट करके आपको बता सकूँ कि कैसे क्वालिटी आती है ARC पोर्ट की। लेकिन मैं यहाँ पे सेफली अज्यूम कर सकता हूँ कि यहाँ पे ARC पोर्ट दिया गया, और कोई भी होम थिएटर या साउंड बार लगा के कनेक्ट कर लीजिए और 100% वो चलेगा। जब हम बात करें यहाँ पे साउंड के बारे में, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा आपको इस टीवी में ऑप्शन मिल जाता है ऑडियो ओनली का। इस ऑप्शन के थ्रू आप समझ लो कोई भी गाना देख रहे हो और आपको उस समय स्क्रीन पे नहीं देखना, सिर्फ आपको ऑडियो की जरूरत है, तो वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए और आपका काम बन जाएगा। और इसी के साथ ही साथ इस टीवी में आता है ब्लूटूथ, तो अगर आप को फोन में कोई भी सॉन्ग है आप प्ले करना चाहते हो डायरेक्टली टीवी पे और आपको टीवी का स्पीकर यूज करना है, तो उस समय आपको सिर्फ ब्लूटूथ से पेयर करना है फोन और टीवी को और आप इजीली प्ले कर पाओगे जो भी फोन का म्यूजिक है टीवी में, टीवी के स्पीकर से बजेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात होगी। और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर की, तो यहाँ पे आप जो भी आपके ईयरबड्स वगैरह है वो भी कनेक्ट कर सकते हो और फुल मजा उठा सकते हो इस फीचर का। और दोस्तों, टीवी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका रिमोट, रिमोट के थ्रू ही सब नेविगेशन होते हैं। तो इस पे भी मैंने टेस्टिंग की बहुत ही दबा के, और यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि यहाँ पे जो वॉल्यूम का बटन है काफी सॉफ्ट दिया गया, मतलब आप समझ लो वॉल्यूम पे थोड़ा सा अगर आपको चाहिए कि ऑल ऑफ सडन आप फास्ट हो जाए, वॉल्यूम लाउड हो जाए, तो प्रेस प्लस वाला जो बटन है उसको हल्का सा ही प्रेस करोगे तो स्पीड से भागता है। और सेम टाइम अगर आपको ऑडियो कम करना है तो जो माइनस वाला बटन है उस पर आप हल्का सा प्रेस करोगे तो काफी एकदम स्पीड से कम होता है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसी के साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे जो ये जो जॉयस्टिक दिया गया है नेविगेशन के लिए, ये इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी है इसके यहाँ पे ग्रिपिंग में, और प्लस इसी के साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा बना देता है। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि जहाँ पे हम लोग पिक्चर क्वालिटी वगैरह तो ऑलरेडी हम लोग ने चेक कर लिया है ये वीडियो में, तो उसको मैं कवर नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी टेस्टिंग के दौरान बहुत ही अच्छी निकल के आई। बहुत ही अच्छे डॉल्बी कंटेंट देखने मिलते हैं, जो ब्लैक्स है बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं, अल्ट्रा ड्रिमिंग का फीचर आपको इस टीवी में देखने मिल जाएगा। तो ये सारे खास फीचर है और अभी फिलहाल स्टॉक में है ये टीवी। और अगर आपको परचेस करना है तो उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां से जरूर चेकआउट कीजिए। और अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव राय हो तो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, और अगर आप चाहते हो कुछ और मैं टेस्टिंग करूँ इस टीवी पे तो मुझे जरूर बताइए, कोशिश करेंगे आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ही लेके आ जाए। और अगर ये वीडियो अगर कोई भी ढंग से अगर आपको मदद मिली है तो एक लाइक जरूर करना, शेयर करना और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके ही जाओ और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि सारी वीडियो के अपडेट्स वहीं पे मिलेंगे। तो बस वीडियो को अंत करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही धमाकेदार कंटेंट के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी गाइड, बाय बाय।